hello everyone welcome back to magnet brains am swati of english educator i hope you all are doing really good i'm good too now what are we going to start we are going to start with class 8 engaging english chapter 16 and the name of the chapter is a short walk in the hindu kush written by eric newby सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज़ अ स्मॉल ट्रैवलॉग जिसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट हम देख रहे हैं जहाँ पे एरेट प्लस उनके जो फ्रेंड हैं युग ये दोनों जो हैं एक एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं नुरिस्तान एंड नुरिस्तान जहाँ पे वो जा रहे हैं वो एक ट्राइबल एरिया है और वहाँ उनके क्या एक्सपीरियंसिस हुए बेसिकली दे आर देर टू क्लाइम द माउंट्स मीर माउंट्स मीर लेकिन लेकिन क्या वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं सो so, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एक्सर्प्ट है ये जिसमें उनकी इस पूरी जर्नी का एक पार्ट वो वाला पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जहाँ पे वो इन हिंदुस्तानी से मिलते हैं किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस होता है क्या उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है वो हम पढ़ने वाले हैं सो नाउ विल बिगिन आर चैप्टर नोइंग आर ऑथर एंड स्टार्ट स्टोरी एरिक न्यू भी वॉज एन इंग्लिश ट्रेवल राइटर हु रोट मोर देन ट्वेंटी बुक्स न रेडिंग हिस्स जर्नीज इन इंडिया सो एरिक न्यू भी जो थे वो एक इंग्लिश ट्रेवल राइटर थे और इन्होंने ट्वेंटी बुक्स से ज़्यादा लिखी थी जो भी इन्होंने जर्नीस करी थी इंडिया में उनके बारे में अराउंड द मेडिटरनियन रीजन इन आयरलैंड तो इंडिया मेडिटरेनियन आइलैंड और आयरलैंड इन तीनों जगहों में इन्होंने ट्रेवल किया था और बुक्स लिखी है उनके बारे में ही फॉर्ट इन वर्ल्ड वॉर टू एंड वॉज टेकन एज अ प्रज्नर ऑफ वॉर तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू में ही फोट लेकिन इसके बाद उनको एज अ प्रिजनर जो है रख लिया गया था ही ऑफन यूज राय ह्यूमर एंड अंडर स्टेटमेंट हेज़ राइटिंग तो ये जो है जब अपनी मतलब जब भी कोई बुक लिखते हैं तो इसमें ये राय ह्यूमर यूज़ करते हैं और अंडरस्टेटमेंट मतलब क्या होता है किसी चीज़ को कम करके दिखाना

This passage is taken from a short walk in the Hindu Kush, a travelogue recounting Eric Newby's journey with his diplomat friend Hugh काल्स तो ये जो पर्टिकुलर पैसेज है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है इट इज टेकन फ्राम अ शॉर्ट वॉक इन द हिंदू कुश कहाँ से लिया गया है अट्ट वॉक इन द हिंदू कुश और ये ट्रैवलॉग है जो एरिक न्यूबी ने लिखा है उनकी जर्नी के बारे में जो कि उन्होंने अपने डिप्लोमेट फ्रेंड यू कार्लस के साथ करी थी ना डिप्लोमेट का मतलब होता है एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री अब्रॉड डिप्लोमेट्स मतलब जैसे कि अगर मैं हूँ और मैं इंडिया की कंट्री को यू में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं एक डिप्लोमेट होती हूँ तो ये उनके डिप्लोमेट फ्रेंड थे उनका नाम क्या था यू कार्लस

तो उनको क्या जो ये माउंट मीर जो बेसिकली मीर समीर होता है उनको वो क्लाइम करना था अ डिफिकल्ट अनक्लाइंब पीक ये एक बहुत डिफिकल्ट और अनक्लाइंब पीक था इन द हिंदू कुश माउंटेन रेंज कहा था ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज में क्या इनको कहाँ जाना था मीर समीर जाना था ओके okay? द बोक इज एमरस अकाउंट ऑफ देर फेल्ड अटेम टू रीच द पीक अब यहाँ पे ये एक यूमरस अकाउंट है जहां पे सक्सेस नहीं है लास्ट में फेलियर है वो नहीं कर पाते वो नहीं रीच कर पाते मीर समीर इट डिस्क्राइब्स देयर मिस एडवेंचर्स एज दे बम्बल डिफिकल्ट लैंडस्केप ट्राई टू कम्यूनिकेट विथ लोकल्स हूज लैंग्वेज एंड कस्टम्स दे ऑफ़न टू नॉट अंडरस्टैंड एंड फ्रीकुनली लूज देर अटेम्पो विद ईच अदर तो ये जो पर्टिकुलर हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं अभी इसमें वो उनके मिस एडवेंचर्स के बारे में बता दें कि वहाँ पर किस तरीके से मुश्किल मुश्किल लैंडस्केप जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट ट्रेन जो होते हैं उसमें किस तरीके से वो बम्बल कर रहे थे बम्बल का मतलब क्या होता है मतलब बहुत ही लड़खड़ाते हुए आगे जाना उसके अलावा वहाँ पे ये जब किस तरीके से लोकल से मिलते हैं उनकी लैंग्वेज उनके कस्टम्स बहुत डिफरेंट हैं तो कैसे इनको डिफ़िकल्टी होती है प्लस एक दूसरे पे कितना गुस्सा करने लग जाते हैं कभी भी गुस्सा कर देते हैं न्यू बी इन दिस एक्सट्रैक्ट न्यू बी एंड कॉल्स रीच नुलिस्तान आफ्टर अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी एंड मीट ग्रुप ऑफ शेफर्ड्स तो ये जो हम एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं इसमें एक बहुत छोटा सा जो इसका पार्ट है उसमें है ये दोनों जाते हैं और नूरिस्तान पहुंचते हैं और वहाँ पे पहली बार ये नूरिस्तानी से मिलते हैं ओके okay? एंड मतलब ये जो ग्रुप ऑफ शेफर्ड्स हैं उनसे मिलते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली हमारी स्टोरी ये सिर्फ इसका एक प्रोलॉग था ओके नाउ द क्रेस्ट ऑफ द रिज नाउ इमीडिएटली अब अवर हेड्स वॉज अ वाइल्ड कन्फ्यूजन ऑफ लूज ब्लॉक्स हीप्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर तो ये जो क्रेस्ट का मतलब क्या होता है द टॉप ऑफ अ माउंटेन और हिल क्या होता है क्रेस्ट का मतलब द टॉप ऑफ अ माउंटेन रिज का मतलब क्या होता है अ लॉन्ग नैरो हिल टॉप माउंटेन रेंज सो क्रेस्ट का मतलब होता है जैसे ये माउंटेन है ठीक है लॉन्ग माउंटेन रेंज है तो ये है पूरा रिज और ये है इसका क्रेस्ट अंडरस्टूड नाउ यहाँ बोल रहे हैं जो रिज का जो क्रेस था नाउ इमीडिएटली अब्स तो अब ऐसा लग रहा था कि जो उसका एकदम चोटी है उसकी वो बस हमारे सर के ऊपर ही है वो सब वाइल्ड कंफ्यूजन ऑफ लूज ब्लॉक्स ही टॉप ऑफ अदर वो ऐसा लग रहा था जो उसका जो एकदम चोटी है ऐसा लग रहा था बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ स्टोन जो है वो एक दूसरे के ऊपर बस ऐसे रख दिए हैं द वे थ्रो द रिच वॉज नैरो द नेक ऑफ अ बॉटल अब वहाँ ये कह रहे हैं कि जो रिच का जो एकदम वे था जो उधर से जाने वाला वो इतना नैरो था ऐसा लग था कि बॉटल का नेक हो मतलब एकदम पतला सा रास्ता था इट वॉज ओनली बाई पुशिंग एंड शोविंग द होर्सेज व पॉपड थ्रू द अदर साइड लाइक कोक्स ऐसा लग रहा था सिर्फ जो उनके साथ जो हॉर्सेस थे जिन जिनपे ट्रैवल कर रहे थे उनको सिर्फ धक्का दे दे के आगे बढ़ा के संभाल संभाल के वो लोग आगे जा पा रहे थे The drivers. कोटेल एचमार सेट द ड्राइवर्स यहाँ पे कोटल का मतलब होता है माउंटेन रेंज माउंटेन पास इट वॉज द कॉल वी व बीओन्ड द ग्रेट डिवाइड वी वर इन हिंदुस्तान इट वॉज द कॉल कॉल का मतलब क्या होता है द लोस्ट पॉइंट बिटवीन टू माउंटेन पीक्स अ माउंटेन पास तो एक कोल आ गया था और ये लोग जो थे जैसे कि ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन है तो ये पार्ट जो होता है दिस इज नोन एज अ कोल कि एक माउंटेन पास है यहाँ से होते हुए अब आपको दूसरी जगह जाना होता है One more step, and we would have fallen straight into it. We were huddled together, men and animals, on the edge of a cliff at the head of a desolate valley that stretched away downhill, a wilderness of bleak brown scree, with here and there a drift of dirty snow until it was lost in haze. यहाँ वो कह रहे हैं कि जो रास्ता इतना ज्यादा नैरो था और नीचे इतनी ज्यादा डीप वाली थी कि एक भी स्टेप उनका जो है गलत हुआ तो दे वुड फॉल राइट इन टू इट और ये सब जो है हडल टुगेदर हडल का मतलब क्या होता है क्राउड टुगेदर नेसल क्लोजली एकदम पास पास खड़े होकर एक दूसरे को पकड़ के लोग जो थे वो लोग चल रहे थे हडल टुगेदर मैन एंड एनिमल्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ ठीक है तो ये जो पूरा जो पहाड़ की जो चोटी चोटी थी या ये जो मान लो पूरी जो खाई थी इसके एकदम एच पे वो लोग एकदम पास पास होके चल रहे थे एट हेड ऑफ अ डेजोलेट वैली दैट ट्रेस्ट अवे डाउन हिल एट दी हेड ऑफ़लेट वैली एक ऐसी वैली जहाँ पर कोई नहीं रहता था डेसोलेट का मतलब होता है जहाँ लोग नहीं रहते जो एकदम खाली होता है तो ऐसी एक वैली में ये लोग कोने कोने से निकल के जा रहे थे दैट स्ट्रेस्ड अवे डाउन हिल जो पूरा नीचे की तरफ जा रहा था अ वाइल्डनेस ऑफ ब्लिक ब्राउन स्क्री स्क्री का मतलब होता है स्मॉल लूज रॉक्स मतलब पूरे जगह पथरीला पूरा रास्ता था वहां पे ब्राउन पूरे छोटे छोटे स्टोन्स का और इधर उधर थोड़ी सी गंदी सी स्नो थी जो स्नो पूरी जो धूल धूल वाली हो जाती है वैसी डर्टी स्नो थी इट लॉस्ट इन हेज और इससे पहले कि मतलब एवरी थिंग वॉज लॉस्ट इन हेज हेज का मतलब क्या होता है जो कोहरा कोहरा सा आ जाता है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीड अब यहाँ पे क्या है वन टू लीड द अदर विद टाइट ग्रिप ऑन टेल टू ब्रेक हार्ड एट द बेंस अब जब वो लोग डिसेंट कर रहे थे मतलब ये जो क्लिप से नीचे उतर रहे थे यहाँ पे तो इसके लिए उन्हें एक बार में एक इंसान के साथ मतलब एक बार में दो एक हॉर्स को नीचे लेके आने के लिए दो लोग लग रहे थे एक जो उसके ऊपर बैठा रहेगा मतलब जो सॉरी एक जो उसको लीड करेगा तो एक बार में एक हॉर्स को दो लोग चाहिए थे नीचे लेके आने के एक जो उसको लीड करेगा कि कहाँ जाना है दूसरा जो उसकी टेल को ब्रेक करेगा मतलब ब्रेक करना मतलब यहाँ पे है रोक लगाना तो टेल को पकड़ेगा सो so दैट वो ग्रिप कर सके और जैसे अगर हॉर्स कहीं गलत जा रहा है तो उसको ब्रेक लगा सके <coughs> बट वंस वी वर ऑफ द रिज लेकिन एक बार जैसे ही हम उस रिज से उस हिल से नीचे आ गए यू कैन आई प्लेस जॉन अलोन फिर हम दोनों आगे अकेले वॉक कर रहे थे फॉर एन आवर एंड हाफ वी फॉलो द वैली डाउन एंड डाउन एक डेढ़ घंटे तक हम नीचे नीचे उतरते ही रहे ऑल द टाइम इट ग्री बेटर और ऑल द टाइम इट ग्री हॉटर अ लिटिल वेजिटेशन बिगिन टू अपेयर अब जैसे हम नीचे आ रहे थे तो पहाड़ में ऊपर साइड में तो बहुत ठंडक होती है लेकिन जैसे से हम नीचे आते जा रहे थे तो अब वो गर्म होता जा रहा था अ लिटिल वेजिटेशन बिगिन टू अपेयर अब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं खेत दिखने लग रहे थे कहीं कुछ प्लांट्स दिखने लग रहे थे ट्रीज दिखने लग गए थे पिन क्वेश्चन वो जो क्वेश्चन होता है जिसमें आप पिन रखते हो तो जो टफ ग्रास थी वो ऐसा लग रहा था चुभ रही थी पिन क्वेश्चन की जैसे लग रही थी फाइनली वी केम आउट इन टू अ डीप वैली दैट रेन नॉर्थ एंड साउथ फाइनली हम जो है एक बहुत बड़ी सी वैली में आ गए जो दैट रैन नॉर्थ एंड साउथ मतलब जो हर जगह जहाँ मेडोज मेडोज थे इट वॉज ग्रीन एंड ओपन विद रिवर रनिंग थ्रू इट एंड ऑन द मेडो

क्या था सोलिट्री एलक अलग से एक जो था सॉलिट्री एलक एलग क्या होता है लोकल वर्ड फॉर अफर्ड कैंप एक शेफर्ट कैंप था वहां पर सोलिट्री मतलब सिर्फ एक ही शेफर्ट कैंप था वहां पर जिसको आप बोधी कहते हो वहां पर क्या कहते हैं लोग उसे बोधी कहते हैं और कुछ जो थे सम स्टोन केटल पेंस ओपन टू द स्काई और कुछ जो है जैसे गाय जहाँ पे आप रखते हो गाय को वहाँ पे वैसे ओपन पेन थे एंड उसमें ऊपर शेड नहीं लगा था सीम डेजर्टेड ऐसा रहा था वहाँ कोई नहीं रहता एकदम खाली पड़ा था इन द होल वैली देर वॉज नो साइन ऑफ एनी वन और पूरी वैली में आपको कहीं कोई नहीं मिला था मतलब कोई दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे After the miles of scree we had descended, the grass was like a carpet into which our feet sank. अब ये लोग जो इतनी देर से आ रहे थे रॉक्स के ऊपर क्लाइंब करके या एकदम बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन से आ रहे थे तो जब फाइनली वो इस वैली में आए और यहाँ पर एकदम सॉफ्ट ग्रास थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर के नीचे जो है वो कारपेट रख दिया है एंड इट वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल फॉर दैम After the still airlessness of the upper valley, the breeze was as refreshing as a cool drink. और जो ऊपर जो था मतलब माउंटेन में ऊपर जो होता है ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा एयरलेसनेस फील होती है मतलब लैक ऑफ एयर फील होती है वहाँ पर तो जब वो अपर वैली से डाउन आ गए और यहाँ जो बहुत ब्यूटिफुल सी ब्रीज बह रही थी बहुत ज़्यादा सूदिंग ब्रीज मतलब हवा चल रही थी दैट वॉज़ लाइक अ रिफ्रेशिंग कूल ड्रिंक फॉर देम Apart from the sighing of the wind and the sound of the river, a huge silence hung over the place. अब क्या बोल रहे हैं वो कि यहाँ पे जो ब्यूटी मतलब ये जो बहुत काम सी विंड चल रही है river का sound आ रहा था उसके अलावा पूरी place जो थी उसमें एक अजीब सा अजीब सा silence था मैन एंड हॉसेज वफा बिहड और हमारे साथ जो मैन थे जो हॉसेज थे वो काफ़ी पीछे छूट गए थे फीलिंग स्लाइटली नर्वर्स वी बिगेन टू क्रॉस टूवर्ड्स दी एलग अब थोड़ा नर्वस हुए हम लेकिन उसके बाद फाइनली जो शेफर्ट्स का कैंप था एलग था हम वहाँ पर उसकी तरफ जाने लग गए वी वन अ हंड्रेड यार्ड्स फ्राम इट वेन देर वॉज अ शाउट एंड वी सॉ आवर फर्स्ट नूरिस्तानीज हम लोग सिर्फ हंड्रेड यार्ड दूर थे जो उनका कैंप लगा हुआ था एक सिंगल कैम्प जैसे ही बस वहाँ हंड्रेड यार्ड्स तक पहुँचे ही थे कि ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग ना अचानक से उस कैंप से बाहर निकल गए एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी मेड द नोजिस्तानी दे कैम्प पोरिंग आउट ऑफ द बोधी एंड वेस्ट ओवर द ग्रास अस अ स्पेस वो जो थे बोदी से निकल के आए पोरिंग आउट इसलिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो वो वहां से निकल के आए और वो सब दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे थे डजनस ऑफ देम एक दो लोग नहीं थे उसमें डजन्स ऑफ लोग थे इट इट्स इम्पॉसिबल दैट सच अ स्मॉल बिल्डिंग कुड हैव कंटेंट सो मेनी मैन और ये इतना इम्पॉसिबल लग रहा था सोच के कि एक छोटा सा कैंप है शेफर्ड कैंप और उसमें इतने सारे लोग रहते हैं मतलब कैसे रह सकते हैं इतने सारे लोग As they came बाउंडिंग up, they gave an इम्प्रेशन ऑफ being आउट ऑफ द पास्ट अब जैसे ही वो लोग दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे थे तब ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया के हैं ही नहीं मतलब उनको मॉडर्न इम्यूनिटीज़ नहीं पता वो बहुत मतलब दे आर नॉट फ्रॉम द फ्रॉम द प्रेजेंट बट दे आर समवेयर फ्रॉम द पास्ट दे वर ऑल डिफरेंट नो टू अलाइक दे वर टॉल एंड शॉर्ट लाइट स्किन डार्क स्किन ब्राउन आइड ग्रे आइड मतलब सब लोग अलग थे कोई दो लोग एक जैसे नहीं दिख रहे थे There were men like gypsies with a lock of hair brought forward in ringlets on either side of the forehead. अब कुछ लोग जिप्सीज की तरह थे जिन्होंने ना जिनके जो बाल थे वो फेस पे आ रहे थे हर तरीके से There were men with great bushy beards and मुस्टैशेज that made them look like Arctic explorers. कुछ ऐसे लोग थे जो लोग उनके बहुत बड़े बड़े घने घने beards थे और उनके मुस्टैश थे ऐसा लग था Arctic explorers हैं वो जिन्होंने बहुत टाइम से जो है शेव नहीं किया है और कटिंग नहीं करवाई है सम ऑफ़ द टॉलेस्ट ब्रोकन क्लीन शेवन जाइंट्स और कुछ जो बहुत ही ज्यादा लंबे थे सिक्स फीट से भी ज्यादा लंबे थे वो ऐसा लगता है उनकी नाक जो है टूटी हुई है ब्रोकन नोज है उनके शेवन हेंड्स थे ऑल बट दोअर हेडेड वो द सेम फ्लैट चित्राली कैप डैट यू हैड वॉन एवर सिंस वी हैड लेफ़्ट काबुल अब जिन लोगों के सर बेयर हेडेड थे मतलब क्या जिन लोगों के बाल नहीं थे या जिन लोगों ने सर में कुछ भी नहीं लगाया था उन सब ने द सेम चित्राली कैप पहनी थी चित्राली कैप क्या होती है चित्राली कैप जो है ये आ, मतलब जो ऐसी फ्लैट कैप होती है ना यूजअली इस तरीके से होती है वो तो एक चित्राली कैप कहते हैं उसको दैट यू हैड वन एवर सिंस वी हैड लेफ्ट काबुल और यूग जो है जब से हमने काबुल छोड़ा था वो वही कैप पहनता था ओनली दिस व लार्जर एंड मोर फ्लॉपी द ओनली डिफ्रेंस की ये जो नुलस्तानीज की जो कैप थी वो ज़्यादा बड़ी वो फ्लोपी थी और बहुत ज़्यादा फ्लॉपी थी फ्लॉपी का मतलब क्या होता है साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था इसका एंड द कलर ऑफ पॉलिज और मतलब पॉलिज का कलर कैसा होता है थोड़ा मठमैला सा कलर होता है वैसा था

All were bare bare अब वो बता रहे उनके जो ब्राउन ट्राउजर्स थे वो इनके ना काफ तक पहुंच रहे थे और वो वहां पर एकदम लूज थे फ्लैप कर रहे थे वो वहां पर और सब नंगे पाव थे द नेक्स्ट मोमेंट देवर ऑन अस अटरिंग स्ट्रेंज क्राइज उसी उसके बाद जब मतलब वो वहां से निकले और थोड़ी देर बाद वो हमारे सामने आ गए थे पता नहीं क्या-क्या कह रहे थे बिफोर वी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग वी वर बीइंग बोर्न टुवर्ड्स द एलेग विद आवर फीट बेली टचिंग द ग्राउंड और इससे पहले कि हम उन्हें बता पाते कुछ उन्होंने हमें उठाया मदर मतलब लिटरली ऐसे उठाया कि हमारे पैर ज़मीन पर टच नहीं हो रहे थे और वो हमको लेके गए हम अपने कैंप में ईच द सेंटर ऑफ अ मॉब और हम लोग जो थे दो लोग थे और दोनों जो थे एक भीड़ के बीचों बीच में थे लाइक डिस्टिंग्विश विजिटर्स टू अ यूनिवर्सिटी जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी से एकदम कोई नया इंसान आता है तो लोग कैसे भीड़ जमा लेते हैं उसके पास वैसे ही वी वेड टू सिट ऑन द फ्लोर एंड आर होस्ट ब्रॉट इन टू राउंड वुडन पॉट्स फुल ऑफ मिल्क विच दिस सेट बिफोर अस बींग टूगेदर विद अ कपल ऑफ लार्ज लेडल्स अब उन्होंने बोला कि उन्होंने हम लोगों को जमीन पर बिठाया ठीक है और जो हमारे होस्ट थे मतलब अब वो लिटरली हमारे होस्ट नहीं थे बट दे दर्न आउट टू बी आवर होस्ट उन्होंने हमारे सामने वुडन पॉट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल्क रख दिया ठीक है और उसके साथ बड़े बड़े लैडल रख दिए लैडल्स मतलब क्या होते हैं जो आप जिससे करछी होती है ना जिससे आप निकालते हो जो थोड़ा सा डीप होता है उसको बोलते हैं लैडल तो उन्होंने बड़े बड़े लैडल्स रख दिए हमारे सामने द पॉट्स हेल्ड अबाउट हाफ अ गैलन ईच एंड सीम टू बी मेड फ्रॉम हॉलोड आउट ट्री ट्रंक्स अब वो जो पॉट्स थे उसमें इतना ज्यादा मिल्क था ऑलमोस्ट एक एक में हाफ अ गैलन मिल्क था प्लस ये किससे बनाए गए थे जो वुडन पॉट्स थे ये जो है ट्री के ट्रंक से बनाए थे हॉलो ट्रंक होता है ना उससे बनाए थे दे वर डेकोरेटेड विद द सेम डायमंड पैटर्न आई हैड नोटिस्ड ऑन द रग्स और उसमें भी जो वुडन में जो कार्विंग करी हुई थी वो भी सेम डायमंड शेप था मतलब इस तरीके का जो शेप होता है वो उसी तरीके के शेप से पूरा डेकोरेटेड था और जो नीचे जो कारपेट डली हुई थी जो रग डला हुआ था उसमें भी सेम शेप था बथ वेसल्स एंड कटलरी वेयर ऑफ हीरोइक प्रपोर्शन फिट फॉर जॉइंट दोनों जो वेसल था और जो लैडल था वो दोनों इतने ज्यादा बड़े थे कि वो एकदम जाइंट्स के लिए परफेक्ट होगा We were एक्सट्रीमली थर्स्टी यूग was ऑलरेडी dipping into his pot. सो so, हम लोग बहुत ज़्यादा थर्स्टी थे एंड योग जो था वो ऑलरेडी डिपिंग इन टू हिस्पॉट मतलब उसने पीना स्टार्ट कर दिया था डो यू थिंक इट्स ऑल्स राइट आई आज हिम दे मे हैव टी बी सो आई आज यू कि तुम्हें लगता है कि हमें पीना चाहिए हो सकता है इसमें टी बी हो टी बी इज ट्यूबोक्लोस मतलब इससे हो सके हु? काउस उसने बोला किसको होगा टीबी उसने बोला काउस को हो सकता है टीबी हो तो हमें भी टीबी हो जाएगा सो इफ वी आर गोइंग टू गेट टीबी मतलब इफ़ वी वर गोइंग टू गेट टीबी वी हैव ऑलरेडी गॉट इट ही सेड बिसाइड्स इट्स नॉट काउस मिल्क आई थिंक इट्स गोट्स एंड शीप्स मिक्सड सो युग ने क्या बोला अगर अभी तक होना होता ना तो हमको अभी तक टीबी हो चुका होता और बिसाइड्स आई डोंट थिंक ये काउ का मिल्क है ये गोट और शीप का मिक्सड मिल्क है द बॉडी वॉज क्राम सफोकेशन विद पीपल ऑल जैबलिंग इन एन अनोन टंग मतलब बॉडी जो थी उसमें एकदम तो बहुत सारे लोग थे क्रामड मतलब क्या होता है कंप्लीटली फिल्ड टू द पॉइंट ऑफ ओवर फ्लोइंग मतलब इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी वहाँ पर एकदम क्रैम्ड हो रहा था इतनी एकदम सफोकेशन होने लग गया था एंड विथ पीपल ऑल जैबरिंग इन एन अन नोन टंग जैबरिंग का मतलब होता है दे टॉक वेरी रैपिडली कुछ समझ में आता नहीं है तो देवर आल जैबरिंग क्योंकि उनको उनके लिए एक अनोन लैंग्वेज थी सो देवर आल टॉकिंग एकदम कंटिन्यूसली एकदम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज वे में आई वंडर डिफ इट फॉर बाशगुली मुझे लगा ये जो लैंग्वेज बोल रहे हैं ये शायद बाशगुली है इट वॉज सर्टनली अनलाइक एनी अदर लैंग्वेज आई हैड एवर हर्ड मतलब ये जो लैंग्वेज थी ऐसी लैंग्वेज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी देर वॉज नो वे ऑफ डिस्कवरिंग वॉट इट वॉज तो इसीलिए मैं बिल्कुल ये समझ ही नहीं पा रहा था ये लैंग्वेज क्या है Now we are going to stop this particular video here because the chapter is literally long. तो हम इसको दो parts में बनाएंगे Now the thing is that हि वी हैव रीच द पॉइंट जहाँ पे यूग और जो हमारे राइटर हैं दे हैव एंटर्ड द बॉडी अब इनके साथ क्या होता है आगे दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट वी विल सी दैट इन आर नेक्स्ट वीडियो सो स्टे ट्यून विथ मी डिन नॉट फोरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट मैगनेट रेंज डॉट कॉम सो गाइज आई एल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाई